नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में तो चलिए बच्चों आज हम लेकर के आए हैं मैट्रिक्स का टॉपिक वो भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिए एक एक करके सारे टॉपिक को हम लेकर के आ रहे हैं तो आप लोग जो अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो लिखा हुआ भी है मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डॉच और देखो हाँ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं आपके जूनियर भाई बहन के लिए मैं बता दूं आपको कि ट्वेल्थ क्लास का हमारा फर्स्ट बैच ऑफलाइन फर्स्ट बैच ऑफलाइन हमारा शुरू हो रहा है नाइन्थ जनवरी सेवन टू एट नौ जनवरी सात से आठ में मॉर्निंग शुरू हो रहा है जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं कोई जो मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को सीखना चाहते हैं मैथ्स को जानना चाहते हैं मैथ्स को समझना चाहते हैं निश्चित रूप से आप उनको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आइए आप लोग भी शुरू चालू स्टार्ट हो जाइए आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन यह है कि एक वर्ग आव्यूह है आपका सामने देखो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है क्या है एक वर्ग आव्यूह वर्ग आव्यूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है वर्ग आव्यूह होता क्या है तो डियर स्टूडेंट मैंने बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं क्या होता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होंगे वही आपका वर्ग आवयु होता है ध्यान रखिएगा एम बराबर सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होने वाला है तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आज हम लोग चालीस क्वेश्चन देखेंगे कोशिश करते हैं चालीस क्वेश्चन चालीस मिनट में हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग अब अगली क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ देखो x तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आप के निम्नलिखित युग्म समान है समान मतलब इक्वल मतलब यहां बीच में दे दीजिए इक्वल का चीज अब आपको बोल रहा है वैल्यू निकालिए तो भाई जब वैल्यू निकालोगे x का वैल्यू निकालोगे तो थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो तो x बराबर हो गया माइनस सेवन बाई थ्री क्या माइनस सेवन बाई थ्री कहीं है नहीं है नहीं है तो सीधा चलो ना भाई ज्ञात करना संभव नहीं है जाओ क्यों तो जब है ही नहीं जब वहाँ लिखा हुआ है तो वो तो वैल्यू होना ही चाहिए वो वैल्यू है ही नहीं है। तो दैट मीन्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड नॉट पॉसिबल टू फाइंड चलिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट आप लोग भी सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट तीन गुना तीन कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या वन है अब एलिमेंट की संख्या कितनी है जीरो वन है तो दो एलिमेंट है तो आराम से दो लिख दीजिए अब दो पे पावर क्या लिखना है जो कोटी दिया हुआ है कोटी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्डर तो ऑर्डर को आप यहाँ चिपका दीजिए तो दयायर फोर दो पे पावर तीन तिया क्या हो गया नौ जब दो को नौ बार लिख करके गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा पाँच सौ बारह देखो पाँच सौ बारह कहीं है यस ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है पाँच सौ बारह राइट आंसर है डियर स्टूडेंट चलिए आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए तभी आपको फायदा होने वाला है अदरवाइज आपको फ़ायदा होने वाला उतना है नहीं अगर आप छोड़ छोड़ के वीडियो देखेंगे तो अब देखो ए तथा बी के समान कोटि के सम्मित आवियो कौन सा आव्यू बोल रहा है सम्मित सम्मित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम्मित को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में दो चार बातें मैं बता दूं आपको कि ए बराबर एड डैश होता है ए बी प्लस बी ए आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है दूसरा ए प्लस एड एस ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ध्यान रखिएगा तो आपके पास क्या दिया हुआ अगर सम्मित अब यू है अब यहाँ देखो माइनस है अच्छा चलो अब एक और बात होता है स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं विषम सम्मित के लिए अब इसी का जस्ट उल्टा चलते हैं ए बराबर क्या होगा माइनस एड एस ए बी माइनस क्या होगा बी ए हो जाएगा उसके बाद ए माइनस एड एस हो जाएगा याद रखिएगा अगर माइनस में आता है तो आपको बोलना है विषम सम्मित अगर आपका प्लस में आता है बोलना है सम्मित तो आपको देखना है क्या बोल रहा है ए बी माइनस बी ए जब ए बी माइनस बी ए है इसका मतलब विषम सम्मित सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखिएगा डियर स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों आइए इनको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं क्या लिखा हुआ है ए दिया हुआ है ए प्लस एडाइस बराबर आई डियर स्टूडेंट जब इसका आप एडाइस निकालोगे तो एडाइस का मतलब क्या होता है रो का वैल्यू कॉलम में कॉलम का वैल्यू को रो में इंटरचेंज करना है मतलब अदला बदली करना है चलिए अदला बदली कर देते हैं साइन अल्फा और ये क्या हो गया कॉस अल्फा ना अब दोनों को कह रहा है जोड़िए तो जोड़िए मतलब पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तो कॉश अल्फा कॉस अल्फा कितना कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा बराबर कितना आई है तो आई का मान तो वन जीरो जीरो वन होता है तो देर फोर एलिमेंट वन हो जाएगा तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया वन बाई टू अब बताइए ना कॉस में एक बट्टे दो कितने डिग्री का मान होता है तो डियर स्टूडेंट सात डिग्री सात डिग्री को क्या बोलते हो पाई बाई थ्री इसका मतलब अल्फा का मान क्या हो गया पाई बाय थ्री इसमें जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी साल पूछे गए दैट मीन्स अगर आप इनको क्वेश्चन बैंक में ढूंढेंगे ना आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से फायदा आपको होने वाला है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत बहुत नज़दीक आ गया है जितना सोचिएगा उससे कम समय बचा है आपके पास चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखो ना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्युतक्रम आओ क्या बात व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स मैट्रिक्स के टर्म में अगर वितक्रम लिख दे या प्रतिलोम लिख दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इन्वर्स कहते हैं इसका मतलब एक के खोपड़ी में क्या बैठा हुआ रहेगा माइनस वन क्या बैठा रहेगा माइनस वन अगर एक के खोपड़ी में माइनस वन लगा रहता है तो माइनस वन को हम कहते हैं इन्वर्स क्या कहते हैं इन्वर्स कहते हैं तो ये कब होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को ए बी बराबर बी ए बराबर आई ए बी बराबर बी ए बराबर आई ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आपका राइट right आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट right हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका राइट right होने वाला है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग भी हल करिए देखिए आप लोग कितना नंबर आ रहा है टोल सॉल्व करने के बाद चलिए अगली प्रश्न देखिए दो का पूछा हुआ ये प्रश्न था दो का पूछा हुआ प्रश्न है ये देखो क्या है आपके सामने ए प्लस बी निकालना है ए यहाँ है बी यहाँ है सॉल्व करो नौ और ग्यारह क्या हो जाएंगे बीस चलिए बीस दस और दस कितने हो गए बीस ग्यारह और नौ कितने हो गए बीस फिर बारह और आठ कितने हो जाएंगे बीस तेरह और सात कितने हो गए बीस एंड चौदह और छः कितने हो गए बीस देयर फोर सारे एलिमेंट का वैल्यू बीस 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 हो गया है यहाँ है फर्स्ट नंबर ही आपको मिल गया देखो ना आगे क्यों जाओगे क्यों जाए हम इधर बताओ जब फर्स्ट ऑप्शन ही आपको नज़र आ गया देखने को चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट आइए क्वेश्चन नंबर एट की दुनिया में आपका स्वागत है क्या लिखा हुआ है ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है देखो क्या बोल रहा है पहले टू ए फिर टू बी जब टू ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा नौ दुनिया अट्ठारह दस दुनिया बीस ग्यारह दुना बाईस बारह दुना चौबीस तेरह दुना छब्बीस चौदह तो दुना अट्ठाइस फिर अगर टू बी निकालोगे तो सबको मल्टीप्लाई करो बाईस बीस अट्ठारह सोलह चौदह बारह अब दोनों को बोल रहा है जोड़िए आइए जोड़िए अठारह बीस बाईस कितना हो गया चालीस बीस और बीस चालीस बाईस और अठारह चालीस चौबीस और सोलह चालीस फिर चालीस फिर चालीस देर फोर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे फोर्टी 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 ऑप्शन नंबर बी हो गया नहीं हो गया जी चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट नेक्स्ट अगली क्वेश्चन अगली क्वेश्चन चलो चलो यस आगे आपके सामने क्वेश्चन है देखो देखो हल करो इनको भी फटाफट आंसर कमेंट करिए फटाफट सॉल्व करिए आंसर को कमेंट करिए एक्स का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है तो डियर स्टूडेंट वाई का मान कितना है माइनस टू है ओके अब इनको बराबर करना है इनसे तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू छू एक्स प्लस टू इक्वल टू छ क्योंकि ये माइनस टू जब यहाँ आएगा तो प्लस टू हो जाएगा तो छः में दो घटेगा कितना बचेगा चार तो टू एक्स बराबर चार एक्स बराबर चार बटे दो कट के कितना हो गया दो तो एक्स का वैल्यू देखो दो है देखो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ अगर आप प्रोसेस से आगे बढ़ते कंसेप्ट का अगर यूज करोगे सही तरीके से ऑप्शन को अपने आप मिलना ही पड़ेगा समझ रहे इसलिए कन्सेप्ट को क्लियर रखिए और प्रैक्टिस करिए ना बार बार मैथ मतलब प्रैक्टिस होता है अगर आप चाहेंगे कि बना लिए छोड़ दिए उससे नहीं होने वाला है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा समय रहे ना जी हाँ जनाब चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन चलो क्या लिखा हुआ देखो तो द वैल्यू ऑफ ए ए का मान दिया हुआ ओके विल नॉट बी ऑपटेंट क्या बोल रहा है ए का मान दिया हुआ है नॉट बी ऑपटेंड इफ के हैज़ द वैल्यू कहता है ए का वैल्यू इनवर्स में हम लोग ऑप्टेंट नहीं कर सकते यदि के का मान होगा क्या होगा तो वही आपसे पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट जब इन्वर्स के बारे में चर्चा करता है ना इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है पता है आपको इन्वर्स एग्जिस्ट तब नहीं करता है जब डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मीन्स वाट कि अगर डिटेमिन का वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब उस स्थिति में इनवर्स है नहीं है तो है अगर है जीरो तब इनवर्स नहीं है तो डियर स्टूडेंट इसका हम निकाल लें क्या डिटेमिना कैसे निकालेंगे आइए हम इसका डिटेमिनाट निकालते हैं एक का डिटेमिनाट क्या निकलेगा टू के माइनस पाँच या पंद्रह इक्वल टू कितना जीरो तो नहीं होगा तो टू के बराबर कितना पंद्रह के बराबर पंद्रह बटे देखो तो कुछ क्वेश्चन में दम कम है जी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखो यस ऑप्शन नंबर डी आपका क्लिक करो एकदम राइट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है बच्चों चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर 11 ग्यारह नंबर में आ जाओ क्वेश्चन नंबर एलेवन क्या लिखा हुआ है जी एडज्वाइंट स खंडज बोलते हैं हिंदी में, बोलते है हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में स खंडज क्या बोलते हैं स खंडज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा माइनर उसके बाद क्या निकालना होता है को फैक्टर तो चार एलिमेंट है फटाफट लिख दो ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू क्या क्या हो जाएगा देखो तो वन टू टू वन मतलब रिवर्स गियर में चक्कर लगा देना होता है वन टू टू वन वन टू टू वन इसका को फैक्टर एक एक दो है तो सेम माइनस दो माइनस दो एक अब इनका एक मैट्रिक्स बना लीजिए मान लीजिए बी नाम का एक मैट्रिक्स बनाते हैं वन माइनस टू माइनस टू और वन इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए इसका जो ट्रांसपोज निकलेगा ना वही उसका क्या हो जाएगा एडजवाइंट हो जाएगा इसी ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं हम लोग एडजवाइंट ए बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग एडजवाइन ऑफ भी देखो ऐसा कहीं ऑप्शन है वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस टू और वन माइनस टू और वन माइनस टू माइनस टू और वन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट right है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट right है आप देख लीजिए मिला करके ऑप्शन आपको खटाखट मिलता चले जाएगा चलिए अगली क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह बारह नंबर में क्या है डियर स्टूडेंट ए बी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का मेरा नियम बड़ा सुंदर था क्या सब का साथ बनाओ सात का मतलब हुआ ये रो में और ये हुआ कहाँ बढ़ना कॉलम में बढ़ना हुआ तो सात कैसे बनाएंगे ऐसे बनता है सात वन को जीरो से ज़ीरो वन को वन से प्लस वन फिर ऐसे देखो सात बनेगा वन को वन से वन वन को जीरो से ज़ीरो फिर ऐसे सात बनो जीरो प्लस वन फिर ऐसे सात बनो ज़ीरो प्लस ज़ीरो जब सबको जोर घटा करोगे तो क्या होगा वन 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 ज़ीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो वन 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 जीरो ऑप्शन नंबर आपका बी है कौन सा ऑप्शन है आपका बी नंबर आपका राइट आंसर है अब देखो ना ज़्यादा मेहनत मैं कर कहाँ रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है उसी कंसेप्ट का यूज करके सारे सवाल को बना रहे हैं बताओ इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या डियर स्टूडेंट अब अगली क्वेश्चन देखो ए तथा बी एक ही क्रम के वर्ग आ हो एक ही क्रम मतलब तो ऑर्डर सेम है उसका तो ए बी का डैश क्या होगा डियर स्टूडेंट मैंने मैट्रिक्स वाले में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए थे इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करके दिखाया था है ना जी और जो नहीं देखे देख लीजिएगा लेक्चर हमारा ए बी का डैश जो होता है ना वो बराबर होता है बी का डैश और ए का डैश याद रहेगा ना मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपको मिल गया इधर होगा नहीं ये भी होगा नहीं ये लगभग बच्चा इसके बारे में सोचते हैं कि पहले आओ पहले पाओ गा लगा देते हैं लेकिन पहले आओ पहले पाओ नारा कभी कभी गलत हो जाता है तो इस केस में आपका गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा बाद में जो आएगा वो पहले आएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए चल आगे भर चलो अगली क्वेश्चन में आ जाओ फोर्टी नंबर फोर्टीन नंबर में क्या है देखो टू ए निकाल लीजिए पहले ए दिया हुआ है तो टू ए जब निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा दो दो दूनी चार चार दुनी आठ फिर दो धुनी कितना हो गया चार अब इसका डिटर्मिन निकालो क्या होगा चार दुनी आठ आठ चौके बत्तीस बत्तीस में आठ चले गया कितना बचेगा माइनस चौबीस माइनस चौबीस देखो है आंसर अच्छा वो वो वाला क्वेश्चन है चलो चलो तब तो ठीक है बहुत सुंदर अगर ये वाला वा क्वेश्चन वा 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 रहता है इनका ऑर्डर अगर दो गुना दो है तो नियम है जो भी यहाँ रहेगा ना कॉन्स्टेंट उस पर पावर इसके ऑर्डर को बैठा देना होता है बस यही इसका लॉजिक ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान था मेरे को लगा और कुछ पूछ रहा है तो प्रूफ करने में चला दो दुनिया कितना हो गया चार ऑफ डिटर्मिनाट है देखो ऑप्शन में है अगर यहाँ है दो तो चार होता नौ रह, तो तीन रहता तो नौ होता है ना जी तो ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ रहेगा उस पर पावर ऑर्डर को बैठा देना होता है बस इससे आसान तरीका हो नहीं सकता इससे आसान तरीका हो नहीं सकता इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है डियर बच्चों अब आइए इन क्वेश्चन को हल करते हैं बड़ा सुंदर क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है आई प्लस ए का क्यूब एक ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हो ना क्या जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी फिर ए प्लस बी और माइनस कितना है सेवन चलो आई क्यूब तो आई ही होगा ए क्यूब का वैल्यू लिख सकते ए स्क्वायर इंटू ए थ्री इंटू ए इंटू आई तो इसका हो जाएगा आपका थ्री आई मतलब थ्री ए ही होगा आई प्लस ए है आपका उधर क्या है आपका माइनस सेवन ए है चलो आई हो गया ए इस्क्वायर का वैल्यू ए फिर ए ही हो गया आपका प्लस इनको जब इनसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री ए हो जाएगा इनको इनसे गुना कर लीजिएगा आप थ्री ए स्क्वायर हो गया माइनस क्या बचेंगे सेवन ए बच जाएंगे हमारे अब जब आगे बढ़ोगे तो आई रहेगा फिर ए स्क्वायर का वैल्यू ए ही हो जाएगा फिर तीन ए तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए ही हो गया प्लस तीन ए माइनस कितना हो गया सात ए तो आई तीन तीन छः एक सात प्लस सात ए माइनस सात ए अगर कट गया तो क्या बचेगा केवल आई बचेगा आई देखो ऑप्शन में है बड़ा सुंदर प्रश्न है आपको ध्यान रखिएगा बहुत सुंदर प्रश्न है आप देख लीजिए अच्छे से चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या बोल रहा है जी देखो तो ए नाम का एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपसे बोला तब ए क्या है विकर्ण ना भी बिकर्ण कुछ बोलते हैं डायगोनल क्या बोलते हैं डायगोनल अधिस किसको बोलते हैं स्केलर स्केलर इकाई क्या है यूनिट मैट्रिक्स तो यहाँ मैंने क्या देखा कि इसके डायगोनल एलिमेंट आपका नन ज़ीरो है और बाकी सभी आपका जीरो है तो ऐसा जब भी हो जाता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स बिकर्नावय यूज़ का हो जाता है ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा भेजा नहीं लगाना होता बड़ा आसान क्वेश्चन लेकिन हाँ एग्ज़ाम की दृष्टि कौन से इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा देख लेना अब चलो इनमें आ जाओ प्लस माइनस और क्या प्लस की बात करेंगे प्लस माइनस और प्लस की जब बात होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है आजू बाजू को ढक दीजिए बीस पंचे सौ माइनस सात चौके अट्ठाइस संतान अंठानवे फिर माइनस दो के बारे में बात करिए आजू बाजू ढक दीजिए बीस तिया साठ आठ सत छप्पन फिर प्लस तीन के बारे में बात करिए चौदह तिया बयालीस आठ पंचे चालीस जब इनको हल करेंगे एक सौ अंठानवे गया दो साठ में छप्पन चले गया चार बयालीस में चालीस गया दो दो माइनस चार दूनी आठ प्लस तीन दूनी छः छः दो आठ आठ में आठ गया जीरो देखो जीरो है ऑप्शन नंबर आपका सी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे दो तीन क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं हर बार रहते हैं अब ये प्रश्न में आ जाओ क्या बोला है इतना का मान क्या होगा तो डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट इसको तोड़ सकते हैं या नहीं तो एक ऑपरेशन कर लीजिए ऑपरेशन क्या करेंगे हम आर वन में आर टू को हम जोड़ने जा रहे हैं आर वन प्लस आर टू क्या हो गया जीरो जीरो दो इधर वाला में कोई छेड़खानी नहीं होगा हमने एक ऑपरेशन कर दिया ऑपरेशन करने के पीछे वजह क्या था भाई वजह था कम से कम दो जीरो दो जीरो हो गया तो काम आसान हो गया केवल ये टू के बारे में बात होना है टू के आजू बाजू ढक दीजिए वन प्लस वन तो हो गया कितना दो गुना दो बराबर कितना हो गया चार चार देखो ऑप्शन में होगा यस यहाँ है ना ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन नंबर आपका, आपका डी एकदम राइट है बच्चों चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट एकदम रुकना नहीं है थकना मना है बॉस रुकी उस दिन जिस दिन आपकी सांसें रुक जाएगी है ना जी हाँ इनको तोड़िए छत्तीस इनको तोड़िए छत्तीस माइनस छत्तीस एक्स स्क्वायर माइनस छत्तीस इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर इक्वल टू छत्तीस एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस सिक्स देखो प्लस माइनस सिक्स है ऑप्शन नंबर बी बन रहा है ना जी मजा आ रहा है ना भाई देखते तो रहो कंटिन्यू आप देखो सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का मिल जाएंगे सारे प्रश्न जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है तो आप थोड़ा ध्यान से देखें के देखो अभी तुरंत मैंने बताया था इस टाइप का प्रश्न कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट पे पावर जो कोटी रहेगा उसको चढ़ा देना है तो इसका मतलब के क्यूब ए देखो के क्यूब ए देखो है या? यार कुछ है बताओ सब मुह माया है क्या है मोह माया है चलो आगे बढ़ो अगली क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी देखो तो क्या लिखा हुआ है यदि शीर्ष दो माइनस से इतना इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल पैंतीस वर्ग इकाई हो तो के का मान क्या होगा तो डियर स्टूडेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो ना वन बाई टू उसके बाद जो भी पॉइंट दिए रहते हैं उस पॉइंट को आप लिख देते हैं पाँच चार के फोर और लास्ट में वन 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 और बराबर कितना दिया हुआ है पैंतीस दिया हुआ है तो प्लस माइनस प्लस करके इनको तोड़ दीजिए दो को उधर भेज दीजिएगा जब दो के आजू बाजू को ढकीयेगा तो चार और माइनस कितना हो गया चार प्लस छः के बारे में बात करिएगा आजू बाजू ढक दीजिए पाँच माइनस के हो गया प्लस एक के बारे में बात करिए आप चार पंचे बीस माइनस फोर के और आपको पता है डिटरमिनेंट ऑलरेडी आपको मोड में रहता है वो पैंतीस दूना कितना हो गया सत्तर अब जब इनको देखेंगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ देखेंगे छः पंचे तीस माइनस छः के और प्लस बीस माइनस फोर के इक्वल टू सत्तर ठीक है अब चलो यहाँ देखो तीस और बीस पचास छः और चार दस बराबर सत्तर माइनस दस के सत्तर माइनस पचास है ना जी एक बार प्लस लिए तो तो क्या हो गया सत्तर में पचास गया बीस तो माइनस दस के बराबर बीस के बराबर कितना आ गया माइनस दो प्लस लिए तो ये हाल है अगर माइनस लेंगे तो क्या हाल होता आइए माइनस वाला भी केस देखते हैं बराबर माइनस सत्तर होता माइनस दस के बराबर माइनस सत्तर माइनस पचास माइनस दस के इक्वल टू तो माइनस एक सौ बीस गया गया ये जीरो से भी गया तो के का वैल्यू बारह एक के का वैल्यू बारह है दूसरा माइनस टू है तो बारह माइनस टू कहाँ है नहीं है नहीं है बारह माइनस टू नहीं है ऑप्शन नंबर डी है ना बारह माइनस टू हमेशा याद रखिएगा दो वैल्यू आएगा क्योंकि मोड होता है एरिया का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में होता ही नहीं है तो दो केस आएगा चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में आइए क्या लिखा हुआ यस yes. यदि एक कोटि दो वित्त कर्मणीय अब यू तो डिटर्मिनाट इनवर्स किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एट ऑफ ए बट ए ऑफ ए अब बताओ भाई एटका मतलब डिटर्मिनाट नीचे होना चाहिए तो डिटर्मिनाट नीचे है नहीं है डिटर्मनाट नीचे है जी हाँ है। इस डिटर्मिनाट को ऐसे लिख दिया है डी ई टी ऑफ ए बात तो वही ना है रेनूनू साहब बताओ चलो बढ़ो आगे नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में आ जाओ या चलो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये भी क्या करोगे एक ऑपरेशन करो एक ऑपरेशन हम क्या करते हैं आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों को जोड़ेंगे जोड़ दें ए खत्म बी से बी गया सी से सी गया सबको जोड़ेंगे ना आर वन आर टू में सब कोई बचभे नहीं करेगा मेरा तो इसका मतलब जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा ऊपर में जीरो 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 हो गया ना एक जगह क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट आपको मैंने क्या सिखाया था कि एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो उस डिटेमन का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है क्या होता है जीरो होता है चलिए आगे बढ़िए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर चलो ट्वेंटी फोर में है चलो क्या लिखा हुआ है देखो तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है लेमडा बिलोंग्स टू आर डिटेमान दियावत तब लेमडा डिटेमन का वैल्यू ही बच्चा यहां पूछ रहा है अगर डिटेमिन की बात है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा लेकिन डिटेमिन की जगह अगर मैट्रिक्स की बात होता तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में देखो ये खत्म कर दिया सब में गुना कर दिया हाँ मैट्रिक्स रहता तो बात ये बनती सही सही यहाँ पे देख रहे एक टोम क्या बाकी नहीं किया, किया। यहाँ देखो किसी एक आपका कॉलम में है बढ़िया बात है यही ऑप्शन आपका सही होता अगर इसी डिटेमनाट की जगह मैट्रिक्स आता तो ऑप्शन नंबर ए की विचार करते हम लोग समझ में आ रहा ना? है ना डिटर्मिनांट इसीलिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा आपको मैंने क्लास में बताया भी था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनाट में क्या अंतर है मैट्रिक्स और डिटर्मिन में ये अंतर है कि मैट्रिक्स में किसी कॉन्स्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे में मल्टीप्लाई होता है लेकिन किंतु परंतु डिटर्मिनांट में अगर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है सब में मल्टीप्लाई नहीं होता है ओके बच्चों चलिए आगे बढ़िए पच्चीस पच्चीस में आ जाओ पच्चीस नंबर में आ जाओ चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो लोलू लो पुछू वाला है दस सत्तर सत्तर पैंतीस दो 70 सत्तर सत्तर में सत्तर गया क्या बचेगा जीरो ऑप्शन नंबर बी कौन सा नंबर ऑप्शन नंबर बी ये छोटा छोटा प्रश्न को भी ध्यान रखना है हाँ छोटा छोटा प्रश्न को भी ध्यान रखना है किसी सारणिक जिसकी कोई दो पंक्ति मतलब दो रो या दो स्तंभ दो कॉलम अगर बराबर है ये तो डिटर्मिनाट का प्रॉपर्टी हो गया मैंने बताया था ना कि किसी डिटर्मिनट में अगर कोई दो रो या कोई दो को कॉलम का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिन का वैल्यू क्या होता है बरका वाला जीरो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये प्रॉपर्टी आपका पूछा हुआ था नेक्स्ट चलो नेक्स्ट अगली प्रश्न में आ जाओ सॉल्व कर ले प्लस माइनस प्लस ये सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है ना कम से कम तीन रहेगा फिक्स है ठीक से औस अधिक भी रख लेकिन तीन तो रहेगा ही रहेगा इस टाइप का प्रश्न तो हल्के में मत लीजिएगा बस सॉल्व करिएगा इसको ना अच्छे से आराम से जीरो माइनस सात पचे पैंतीस फिर माइनस एक आजू बाजू ढग लीजिए पंद्रह माइनस चौदह प्लस सात आजू बाजू ढक लीजिए पाँच पचे पच्चीस माइनस जीरो अब जीरो पैंतीस दिया एक सौ कितना हो गया पाँच हो गया एकदम हो जाएगा इधर बात करोगे तो एक ही बचेगा तो यहाँ वन आ जाएगा यहाँ बात करोगे पच्चीस छक्के डेढ़ सौ पच्चीस सत्तर एक सौ पचहत्तर एक सौ पाँच और एक सौ छ एक एक सौ छः हो गया अब प्लस एक सौ पचहत्तर घटाने आता है पंद्रह में छः गया कितना बचेगा नौ यहाँ बचा छः मतलब सिक्सटी नाइन है देखो ऑप्शन में आपका नहीं है इसका मतलब राइट आंसर इसका सिक्सटी नाइन नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं आ जाएगा जे रिस्टूडेंट याद रखिएगा चलो ऑप्शन में था ही नहीं बस आगे बढ़ो अगली प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी देखो ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें वाओ एक ऑपरेशन करते हैं आर वन में आर वन माइनस आर टू दूसरा ऑप्शन करते हैं आर टू में आर टू माइनस आर थ्री तब ऑपरेशन करेंगे वन में वन चले गया कितना बचेगा जीरो फिर इनको इसमें घटा दो एक्स माइनस वाई इनको इसमें घटा दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर इसको इसमें घटा दो जीरो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर न तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाले से कॉमन लेते तो एक्स माइनस वाई आता इधर वाले से लेते वाई माइनस जेड आता तो बचता क्या क्या है जीरो वन एक्स प्लस वाई जीरो वन यहाँ वाई प्लस जेड इधर क्या बचता वन जेड जेड स्क्वायर ओके तो दो जीरो आ गया केवल इसके बारे में बात होता है आपका तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इसको इससे तो वाई प्लस जेड इनको इनसे माइनस एक्स माइनस वाई तो वाई से वाई गया तो जेड माइनस एक्स देखो भैया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड नहीं था एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड यहाँ देखो प्लस आ गया नहीं होगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड यहाँ प्लस आ गया ये होगा नहीं एक मात्र ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा जो ऑप्शन नंबर आपका डी है कौन सा ऑप्शन है डी है आपका डी नंबर ऑप्शन राइट था आपका चलिए हम लोग महामेराथन कर रहे हैं एक तरह तो से मैट्रिक्स और डिटेमिन का क्या कर रहे हैं महामेराथन मैट्रिक्स और डिटेमिन का हम लोग कर रहे थे अब इस सवाल को देखो सारणिक इसका मान क्वेश्चन को देख के डरो मत यार ये लंबा क्वेश्चन देख लिया इसका मतलब क्या बहुत भारी है ना अरे बाबा हम करते क्या है ना ये सवाले में ए बी सी से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए बी सी से हम क्या कर देते हैं यहाँ डिवाइड और यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई तो सब में ए बी सी से करेंगे यहाँ भी ए बी सी से कटेंगे तो क्या हो जाएगा सी से सी गया यहाँ बी से बी गया यहाँ ए से ए गया तो यहाँ क्या बच गया बी सी यहाँ बी सी जो बचा वही BC यहाँ भी यहाँ जो आपका BB खत्म ए सी बचा यहाँ भी ए सी यहाँ यहाँ आपका जो ए बी बचा वही यहाँ. ए बी यहाँ हे क्या बताए थे कि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम का वैल्यू दो पंक्ति या दो स्तंभ का वैल्यू अगर बराबर हो जाता है सेम हो जाता है इक्वल हो जाता है तो उस स्थिति में उस डिटर्मिन का वैल्यू शून्य होता है तो ढूंढो शून्य वाला ऑप्शन है मिल गया जी बताओ क्वेश्चन देखो तुम लोग ऐसे परेशान हो रहा था जैसे एकदम कुछ और आ गया पहाड़ गिर गया तुम्हारे सर के ऊपर ना चलो आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जब मुलाकात करते हैं अगली क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को भी हल कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट हल करने का तरीका आप देखो B प्लस सी यहाँ ए है यहाँ C और ए यहाँ देखो B है यहाँ ए बी यहाँ देखो क्या इन दोनों को हम जोड़ देते हैं क्या कर देते हैं मतलब एक ऑपरेशन करते हैं C1 में C1 वन प्लस सी कर देते हैं जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे ना सारे जगह ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आराम से उठा करके ए प्लस बी प्लस सी को बाहर फेंक देते हैं तो बचेगा क्या क्या वन 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 अब बगल वाला देखो जिंदाबाद है वन 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 भाओ फिर वही प्रॉपर्टी काम करेगी जी दो रो दो कॉलम का वैल्यू सेम दो रो दो कॉलम का वैल्यू अगर आइडेंटिकल हो जाए सेम सेम हो जाए उसका रिजल्ट जीरो होगा अब बाहर में कुछ भी रहेगा जीरो को अगर आप गुना करेंगे किसी भी संख्या से उसका रिजल्ट जीरो देता है तो डियर स्टूडेंट इसका भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन डिटेमिनार देखने में लग रहा था ना लेकिन आंसर क्या निकला पिदी सा जीरो नहीं रे चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट थर्टी वन तीस क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया अभी तक इकतीसवा में हम लोग आ गए हैं आइए इनको भी हल करते हैं हम लोग यस क्या पूछ रहा है बच्चों एक्स का मान क्या पूछ रहा है एक्स का मान कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट है थ्री एक्स माइनस आठ या चौबीस बराबर जीरो थ्री एक्स बराबर चौबीस एक्स बराबर आठ देखो ना यहाँ है बताओ प्रैक्टिस में रहोगे ना एक सौ का एक सौ ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा एक सौ का एक सौ ऑब्जेक्टिव मैं बता दूँ आपको हर दिन हमारे यहाँ वीडियो चलती है हर दिन यूट्यूब में चलेगा फ्री क्लासेस यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मोबाइल का डाटा खर्च करना है समझ रहे हैं ना बस आगे बढ़िए थर्टी टू थर्टी टू में आ जाओ या क्या बोल रहा है इन्वर्स इन्वर्स निकालने के लिए इसका माइनर वैसे शॉर्टकट नियम हम बताए हैं लेकिन हम प्रोसेस से चलते हैं क्योंकि हो सकता है ये दो नवरिया में अभी कहीं पूछ दिया जाए इसका शॉर्टकट प्रोसेस हमने बताया देखना यूट्यूब में बहुत वायरल हुआ था मेरा रील्स शॉर्ट वीडियो है ना मिल जाएगा आपको इनवर्स वाला तो देखो पलट दो वन जीरो वन वन फिर वन जीरो माइनस वन वन इसका मैट्रिक्स बनाओगे बी नाम का अगर तो वन जीरो माइनस वन वन हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज कर दो जल्दी से वन जीरो माइनस वन वन ये हो गया हमारा अब ये ट्रांसपोज को ही आप क्या बोलते हो एडजमाइंट बोलते हो अब इनवर्स निकालने का क्या होता है एडजमाइंट तो बटे एडजमाइंट तो यही हो गया वन माइनस वन और क्या है जीरो और वन अब बट्टे डिटेमिन डिटेमिन तो रो तो क्या होगा वन में वन जीरो तो वन ही बचेगा तो मतलब यही आंसर हो जाएगा वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन जीरो वन है वन माइनस वन जीरो वन वन माइनस वन जीरो वन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सी ठीक है चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट तैतीस क्वेश्चन नंबर तैतीस तैतीस में क्या पूछा ए स्क्वायर तो ए दिया हुआ है बगल में एक ठो ए और लिखते हैं वन माइनस वन माइनस वन और वन गुणा कर दें ऐसे गुना होता है ऐसे सबका साथ बनता है वन को वन से वन फिर माइनस माइनस प्लस टू माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस टू वन प्लस वन यस यस प्लस वन फिर ऐसे बढ़ो आप ऐसे गुना करोगे वन को माइनस वन से माइनस वन फिर यहाँ देखोगे माइनस वन हो गया फिर आप आगे बढ़ोगे ऐसे आप तो क्या होगा माइनस वन फिर माइनस वन फिर अगर ऐसे देखोगे आप माइनस माइनस प्लस वन फिर प्लस वन तो क्या क्या हो गया एक एक दो माइनस दो यहाँ जब देखोगे माइनस दो यहाँ हो गया दो दो सब जगह से कॉमन ले लीजिए आप तो क्या बचेंगे वन माइनस वन माइनस वन और वन तो इसका मतलब टू और ये देखो ए का वैल्यू है तो टू ये देखो कहीं है देखो है ऑप्शन नंबर ए में आपका ओके चलिए अगली प्रश्न चौंतीस नंबर में आ जाओ चौंतीस नंबर में देखो इसका भी डिटर्मिनाट निकालना है माइनस दो हो जाएगा चार पाँच छः प्लस बीस मतलब अठारह अठारह देखो ऑप्शन में है यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होने वाला है डियर स्टूडेंट चलो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय देते नहीं हम लोग शॉर्ट कॉट क्वेश्चन है एकदम अच्छे से बना सकते हैं आप है ना अभी जैसे ये प्रश्न आ गया क्या ये प्रश्न को मेरे को बताना पड़ेगा आप खुद बना सकते हो जल्दी से कमेंट करो आंसर क्या होगा इसका फटाफट -फ़ड़ कमेंट करिए प्लस माइनस प्लस ये दो के बारे में बात करिए आजू बाजू को चार पाँच छः बीस माइनस जीरो तो ये हो गया बीस दो ना चालीस चालीस ऑप्शन आपका ये नंबर में है देखो चलो अगली थर्टी फाइव हो गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में आ जाओ चलो क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट ए इज अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजवाइंट तो मैंने क्लास में बताया था ए इंटू एड ऑफ ए बराबर एड ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनाट ऑफ़ ए इंटू आई तो देखो डिटमिनाट ऑफ़ ए इंटू आई कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में है क्या देखो तो फटाफट आंसर मिल रहा है ना जी चलो नेक्स्ट 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 थर्टी सेवन अब देखो थर्टी सेवन में क्या है जी व्युत कर्मणीय आवयू है इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तो ए भी इन्वर्स का क्या हो जाएगा डियर बच्चा सब तो ए भी इनवर्स हो गया बी इन्वर्स इन टू कितना एनवर्स देखो तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है ऑप्शन नंबर बी आपका है हो गया चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट थर्टी एट थर्टी एट थर्टी एट देखिए क्या दिया हुआ है ए नाम का एक मैट्रिक्स है सम्मित है सम्मित अगर है तो सम्मित के लिए मैंने क्या बताया था ए बराबर ए एडस ए बराबर ए एडस मतलब रो का वैल्यू कॉलम में कॉलम का वैल्यू रो में होता है तो आई का वैल्यू चले जाएगा जे में जे का वैल्यू चले जाएगा कहाँ आई में इसका मतलब ए जे और क्या हो जाएगा आई तो ए जे आई देखो ऐसा बराबर वाला ऑप्शन देख रहे हो ना मतलब सिमेट्रिक का मतलब होता है बराबर होना चाहिए केवल रो और कॉलम का वैल्यू इंटरचेंज अगर इसको सिमेट्रिक रहता तो ये होता ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़िए थर्टी नाइन थर्टी नाइन थर्टी नाइन में आ जाओ यस क्या बोल रहा है जी ए बराबर इतना है तो देन क्या होगा determinant a जीरो दिया इनवर्स एग्जिस्ट अब सॉल्व कर लेते हैं इसको ना सीधा सवाल चार इनको इनसे करिए तीन दो नी छः माइनस दो ये तो जीरो नहीं आया है जब जीरो नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है ये नहीं होगा ये भी नहीं कि वो जीरो बराबर तो आया ही नहीं है तो ए इनवर्स का एग्जिस्ट है अस्तित्व होगा चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट भाव क्या बात अंतिम प्रश्न में हम लोग पहुंच गए जी हाँ मैसेज देख लो न्यू बैच जो भी आपके जूनियर भाई बहन है उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं नाइन जनवरी से सात से आठ हमारा ट्वेल्थ का नया बैच शुरू होने जा रहा है तो आप अपने छोटे भाई बहन को निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं चलिए एक वर्ग आप यू व्युत कर्मणीय है मतलब इन्वर्टेबल वाला है इनवर्स वाला बात हो रहा है कब होता है अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये इन्वर्टेबल तब होगा जब डिटरमिनेंट का वैल्यू सुनना नहीं होगा तब होगा इन्वर्टेबल होगा इन्वर्ट्स एग्जिस्ट करेगा तो देखो यहाँ तो होगा नहीं सीधा ए लिख दिया क्या है नाना का घर है कार तो डिटरमिनेंट के साथ ना लगाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बच्चों कैसा लगा आप लोग को मज़ा आया आज महामैराथन हम लोग लेकर के आए थे क्या चीज़ का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का इसी तरह कल भी चलेगा क्लासेस हमारा हर दिन चलेगा हमारा एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले ठीक है तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए धन्यवाद